केंद्रीय गृह मंत्री आदेश अनुसार राजस्थान में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन ने सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का भ्रमण और परिचित अभ्यास करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय के पुराने शहर में फ्लैग मार्च किया। रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च शहर पुलिस चौकी से शुरू होकर ठठेरा कुंड, हम्माल मोहल्ला, मालियों की धर्मशाला, अंसारी मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, मुख्य बाजार होते हुए खंडर तिराहे पर पहुंचकर समाप्त हुआ। रैपिड एक्शन फोर्स के बटालियन कमांडेंट प्रवीण कुमार के मार्गदर्शन में श्रवणलाल मीना, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में प्लाटून के द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला गया। सहायक कमांडेंट श्रवणलाल मीना ने बताया कि परिचित अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की सूची तैयार की जाती है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव या दंगे की स्थिति घटित होने या प्राकृतिक आपदा आने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण और कार्यवाही की जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान शहर चौकी प्रभारी नोवेल सिंह, कोतवाली थाना के उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी सहित रैपिड एक्शन फोर्स व स्थानीय पुलिस के जवान मौजूद रहे। हमारी 83 बटालियन जो है जयपुर में रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से, जिसको आप जानते हैं, वो जयपुर में स्थित है। और हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो AOR है, सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर सभी थाना क्षेत्रों में जाकर के वहाँ पर जाके परिचित अभ्यास करते हैं। उस अभ्यास के दौरान हम जो है उस इलाके में सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने पर या फिर दंगा होने की स्थिति में तुरंत पहुँच करके उसको कंट्रोल करने की स्थिति के लिए अभ्यास करवाया जाता है, ताकि तो फ्लैग मार्च उसकी एक डेमो है। ये एक डेमो कहें, एक अभ्यास है, एक फॉर्मलाइजेशन है जी सर, कि हमें उस इलाके का पूरा मैप और उसके दंगाइयों की जो सूची है वो हमें चित्रित करते हैं, ताकि आप सुनना पड़ सकें। थैंक यू। सैयद माधोपुर से साकेत जोशी की रिपोर्ट, टाइम्स 8 राजस्थान। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। केंद्रीय गृह मंत्री आदेश अनुसार राजस्थान में तैनात रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन ने सवाई माधोपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का भ्रमण और परिचित अभ्यास करने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय के पुराने शहर में फ्लैग मार्च किया। रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च शहर पुलिस चौकी से शुरू होकर ठठेरा कुंड, हम्माल मोहल्ला, मालियों की धर्मशाला, अंसारी मोहल्ला, मिर्जा मोहल्ला, मुख्य बाजार होते हुए खंडर तिराहे पर पहुंचकर समाप्त हुआ। रैपिड एक्शन फोर्स के बटालियन कमांडेंट प्रवीण कुमार के मार्गदर्शन में श्रवणलाल मीना, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में प्लाटून के द्वारा ये फ्लैग मार्च निकाला गया। सहायक कमांडेंट श्रवणलाल मीना ने बताया कि परिचित अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील जगहों और विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की सूची तैयार की जाती है, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव या दंगे की स्थिति घटित होने या प्राकृतिक आपदा आने पर अधिक कारगर ढंग से उस पर नियंत्रण और कार्यवाही की जा सके। फ्लैग मार्च के दौरान शहर चौकी प्रभारी नोवेल सिंह, कोतवाली थाना के उप निरीक्षक राजेंद्र गिरी सहित रैपिड एक्शन फोर्स व स्थानीय पुलिस के जवान मौजूद रहे। हमारी 83 बटालियन जो है जयपुर में रैपिड एक्शन फोर्स के नाम से, जिसको आप जानते हैं, वो जयपुर में स्थित है। और हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो AOR है, सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर सभी थाना क्षेत्रों में जा करके वहाँ पर जाके परिचित अभ्यास करते हैं। उस अभ्यास के दौरान हम जो है उस इलाके में सौहार्द, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने पर या फिर दंगा होने की स्थिति में तुरंत पहुँच करके उसको कंट्रोल करने की स्थिति के लिए अभ्यास करवाया जाता है, ताकि फ्लैग मार्च उसकी एक डेमो है। ये एक डेमो कहें, एक अभ्यास है, एक फॉर्मलाइजेशन है जी सर, कि हमें उस इलाके का पूरा मैप और उसके दंगाइयों की जो सूची है वो हमें चित्रित करते हैं, ताकि आप सुनना पड़ सकें। थैंक यू। सैयद माधोपुर से साकेत जोशी की रिपोर्ट, टाइम्स 8 राजस्थान। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।